अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं छुकी हुई चटनी। छुकी का मतलब होता है तड़के वाली चटनी। तो हम इसको छोंक कर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये 50 ग्राम लाल मिर्च। वैसे देखोगे तो ये कम से कम है 15 से 20 मिर्च के करीब है। 1 टीस्पून हमने लिया है नमक और एक पूरी लहसुन की गोली ली है। इतने बड़े बड़े जवे हैं, लहसुन इसमें ज़्यादा ही जाता है। 2 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा। पहले हम इसको पीस लेंगे थोड़ा पानी डाल के, और फिर इसमें डालेंगे हम ये बड़े साइज़ का एकदम लाल टमाटर। उससे पहले क्या करते हैं, हमने एक पैन चढ़ा दिया है और ये है एक प्याज बड़े साइज़ की। 2 टेबल स्पून पीली सरसों का तेल लिया है। इसकी जगह आप देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन इसको 2 वीक के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। प्याज का कलर नहीं बदलना है, बस प्याज को सॉफ्ट करना है। इतने फटाफट से पीसते हैं चटनी। ये देखें, ये हमारी चटनी पिस गई है, लेकिन अभी दरदरी सी है। पहले चटनी पीस लें, तभी आप इसमें टमाटर डालिएगा। 150 ग्राम का था ये टमाटर। टमाटर छोटे हैं तो आप 3-4 भी ले सकते हैं। टमाटर डालने के बाद भी हमने चटनी पीस ली है। ये देखें, उसमें हमने पानी डाला था। टमाटर डालें तब आप पानी नहीं डालें। बस ये प्याज भी हमें ऐसी ही चाहिए थी, यानी कि थोड़ी सी सॉफ्ट और कहीं कहीं से इस तरह की ज़्यादा सीखी हुई और कहीं कहीं से हल्की सी कच्ची, यानी कि जैसी हमने डाली थी हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, हमने इसे चलाया भी नहीं था। अब हम इसमें डाल देते हैं चटनी। आप जब ये एक बार बनाएंगे तो यकीन जानिए आप इसको मटर चावल, कुबुली खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी, कोई भी सब्जी या फिर दाल के साथ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोटी पे घी चिपड़ी और ऊपर से ये चटनी बहुत लाजवाब लगती है। फुल फ्लेम करते हैं और इसको हम थोड़ा भूनते हैं, और ग्राइंडर में जो चटनी लगी हुई है हम उसको भी डालेंगे, लेकिन पानी इसमें एक बूंद भी नहीं डालेंगे। इसको 4 से 5 मिनट हो गई हैं मीडियम फ्लेम पर, लेकिन इसके हमें सरफेस पे ऑयल चाहिए। जब तक ये चटनी हमारी जो हमने ऑयल डाला है वो नहीं छोड़ती है, हम इसको तब तक भूनते रहेंगे, तभी जाके ये रह सकती है आपके 2 वीक के लिए फ्रिज में, और 5 दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। मीडियम फ्लेम पर पूरी 6 मिनट लगी है इसको ऐसा भूनने में। फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये देखें, बस ये हमें ऐसा ही चाहिए थी चटनी, एकदम से हसीन लाजवाब। किसी भी जार के अंदर भर लीजिए आप इसको, और इसको आप रख सकते हैं फ्रिज में 2 वीक के लिए रूम टेम्परेचर पे। 3 से 4 या फिर 5 दिन भी आप इसको रख के खा सकते हैं। जरूर बनाएं आप ये छुकी हुई चटनी, जायका दिल्ली 6 के तरीके से जरूर बनाएं। हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और हमारी इस तड़का चटनी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें आप। जरूर से बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।